हे गाइस, क्या दोस्तों आप भी अपने HDFC की क्रेडिट कार्ड को यूज़ करा है और आप भी उसको EMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और आपकी सारी डिटेल मिलेंगे। देखिए, राइट हैंड साइड पर कन्वर्ट टू का अपना EMI का ऑप्शन आएगा, इसमें हम करेंगे क्लिक। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पोर्शन ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने जो जो यूसेज करा है। ऊपर आपका अनबिल्ड अमाउंट दिखेगा। देखिए, कन्वर्ट अनबिल्ड अमाउंट का अपना आ रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट का आ रहा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम जाके और जो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रहा है हम इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपने यूज़ करा था सारी लिस्ट आ जाएगी। आप क्या करेंगे दोस्तों, ये सारी लिस्ट जैसे कि आपके सामने आ रही, ऊपर देखिए मंथली का ही आ जाएगा, जो भी मिनिमम अमाउंट आप पे करना चाहो जैसे भी आपको लगे सूटेबल। और यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन अपनी सारी लिखी हुई है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन दिखेगी ये बॉक्स आप सभी को दिख रहा होगा, हम इस पर टिक करेंगे और हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए दोस्तों आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट दिख जाएगी कि आपको 6 मंथ का लेना है, I mean 6 मंथ में आपको पे करना है या 12 मंथ में पे करना है या 24 मंथ में पे करना है, जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप अपनी EMI को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपको जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट लगेगी फिर नीचे टिक करके हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से पोर्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पोर्शन हमें दिख जाएगा कि आपकी ये EMI है, इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो भी है मंथली, जो भी आप देना चाहें वो सब इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम करेंगे कन्फर्म पे हम इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको पोर्शन आएगा, रजिस्टर्ड EMAIL ID और फ़ोन नंबर पर आपका एक OTP आएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, OTP डाल के इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका इस तरह से EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके